लिए ग्रह की सबसे तेज कार से यह लोग 1997 में ग्रह झटका के बाद सबसे तेज कार की विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तक की सबसे तेज कार की गति माने जाने वाली है 760 माइल प्रति घंटा। ब्लडहाउंड LSR की पीछे की टीम 1000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह बोइंग 787 की गति से दुगना गति है। LSR भूमि गति रिकॉर्ड के लिए खड़ा है। टीम दक्षिण अफ्रीका के एक रेगिस्तान में टेस्ट रन बना रहा है। टेस्ट रन में इन्होंने 200 माइल प्रति घंटा से शुरू किया है और धीरे धीरे 50 माइल प्रति घंटा की गति बढ़ा दी। यह परीक्षण करना चाहते हैं कि चैसिस और इन ऑनबोर्ड उपकरण कितनी अच्छी तरह से पकड़ में आता है। टीम लगभग 20 के लिए 12.4 माइल के रिसर्व ट्रैक पर टेस्ट रन बना रहा है। सभी जुगाड़ के बावजूद टीम चिंतित है कि वे अंतरिक्ष से भाग सकता है। यही कारण है कि उन्होंने LSR को पारस्परिक घर्षण ब्रेक के साथ दो पैराशूट ब्रेकिंग सिस्टम से लेस किया है। केवल 30 सेकंड में LSR 50 माइल प्रति घंटा से 334 माइल प्रति घंटा तक देखे। यह पहले ही 628 माइल प्रति घंटा की गति हासिल कर चुका है। ड्राइविंग सीट में वायुसेना के एक पूर्व पायलट है जो पिछले भूमि गति रिकॉर्ड को समाप्त करने वाला व्यक्ति भी है। ब्लडहाउंड LSR एक रॉयल्स रॉयस द्वारा संचालित एक EJ-200 इंजन है। यह वही इंजन है जो यूरोफाइटर टाइफून में पाया जाता है। यह फटने की जोखिम को खत्म करने के लिए ठोस एल्यूमिनियम पाता कुओं से सुसज्जित है। ब्लडहाउंड LSR अगले साल तक और कुछ समय बाद 1000 माइल प्रति घंटा पर विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद कर रहा है। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब